हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन कीट्स की फेमस पोएम फैंसी को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी समरी को अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन या किसी चीज़ की कल्पना करना। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो पोएम है वो जॉन कीट्स की है, जो रोमांटिक एरा के बहुत ही फेमस पोएट हैं और उन्होंने इस पोएम को 1818 में लिखा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस पोएम में कीट्स ने इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और नेचर की सुंदरता, इन तीनों थीम्स को यूज़ करके बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है। और इसकी जो मेन थीम्स है वो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ही है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर एड्रेसिंग हिज फैंसी। तो पोएम की शुरुआत होती है जहाँ पे स्पीकर फैंसी को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, एज इफ फैंसी कोई इंसान हो। Which is a term used to describe imagination. तो fancy का मतलब होता है imagine करना या imagination। और वो कहते हैं fancy से कि तुम मुझे किसी और दुनिया में ले चलो, poetry की दुनिया में मैं जाना चाहता हूँ, ताकि मैं mundane realities यानी असली दुनिया के ये जो दुख दर्द हैं उनको भुला सकूँ। और पूरी poem का यही एक tone रहती है last तक, जहाँ पर हम imagination और पोइट्री की ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी पोएम में। तो जो पहला स्टैंजा है पोएम का वो काफ़ी स्ट्राइकिंग है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें रियल वर्ल्ड यानी असली दुनिया और इमेजिन्ड दुनिया यानी कि काल्पनिक दुनिया और असली दुनिया के बीच का फर्क बताया है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ डल रियलिटी ऑफ लाइफ विद इट्स डस्टी शॉप्स एंड ड्रियरी स्ट्रीट्स। तो जो स्पीकर है वो असली दुनिया की डल रियलिटी हमारे सामने पेश करते हैं कि कैसे यहाँ की जो दुकानें हैं वो डस्टी हैं, धूल भरी हैं, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो सूखी पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, ड्रियरी हैं। और उसके बाद फिर वो पोएट्री की दुनिया बताते हैं जो एकदम फेरी लैंड की तरह है, परियों के देश की तरह है, जहाँ पर जो वुड्स हैं यानी जंगल हैं वो भी एन्चेंटेड है, मैजिकल है। दिस कॉन्ट्रास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ पोएट्री। ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोएट यहाँ पर हमें पोएट्री के महत्व को अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं कि पोएट्री कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, हमारे मूड को बदल सकती है। किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का पावर होता है पोएट्री में। इट शोज़ दैट पोएट्री हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट अस टू अनदर वर्ल्ड। तो पोएम हमें बता रही है कि कैसे पोएट्री हमें एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती है, ताकि हम अपने मुंडेन यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर आकर मैजिकल चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। उसके बाद सेकंड स्टैंजा शुरू होता है जहाँ पे इसी थीम को कंटिन्यू किया गया है और स्पीकर हमें बताते हैं कि वो कौन कौन सी अलग अलग टाइप की पोएट्री को एंजॉय करते हैं। वो हमें फेरी टेल्स के बारे में बताते हैं, रोमांसेस के बारे में बताते हैं, और ये दोनों ऐसे जॉनर्स हैं जो एस्केपिज्म से जुड़े हुए हैं। यानी अगर कोई फेरी टेल पढ़ता है, ऐसी पोएम्स पढ़ता है जिसमें फेरी टेल्स के बारे में बताया गया हो, तो वो अपनी मुंडेन दुनिया से बाहर आ सकता है। ही ऑल्सो मैंशंस हिस्ट्रीज। इसके बाद फिर वो हिस्ट्री जॉनर के बारे में भी बात करते हैं। सो अगर कोई हिस्टोरिकल चीज़ को पढ़ रहा होता है तो भी वो किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पहुँच जाता है और अपनी वास्तविक दुनिया को भूल जाता है। दिस स्टैंजा शोज दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। तो इस स्टैंजा से हमें समझ में आता है कि पोएट्री अलग अलग तरीके की होती है और उस पोएट्री को पढ़कर हम एक दूसरी मैजिकल दुनिया में पहुंच सकते हैं। थर्ड स्टैंजा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसमें पोएट और उसकी ऑडियंस के बीच का रिलेशनशिप बताया गया है। स्पीकर कहते हैं कि पोएट एक स्ट्रेंज मैजिशियन है, एक जादूगर की तरह होता है जिसके पास वो जादू होता है कि वो नथिंग से यानी कोई भी चीज़ उसके पास ना हो तो भी वो कोई ना कोई चीज़ का आविष्कार कर देता है, नथिंग से समथिंग बना देता है। और वो स्पीकर कहते हैं कि जो ऑडियंस है वो बच्चों की तरह होती है, जैसे बच्चे उस जादूगर को देखकर खुश हो जाते हैं, वैसे ही पोएट की पोएट्री पढ़कर लोग ऑडियंस भी खुश हो जाती है और दूसरी दुनिया में पहुँच जाती है। तो ये एक तरह का मेटाफर यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसमें यह दिखाया गया है कि पोएट की जिम्मेदारी होती है अपनी ऑडियंस के प्रति। ही मस्ट यूज हिज इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग दैट विल कैप्टिवेट एंड एन्चेंट देम। तो पोएट को अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिव पावर को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, कैप्टिवेट कर सके।
फोर्थ स्टांजा बहुत ही सुंदर है, जिसमें पोएट्री के पावर को फिर से डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे पोएट्री जो है नथिंग से समथिंग बनाने में सक्षम है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ द पोएट कैन क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी। तो स्पीकर कहते हैं कि पोएट कैसे एक सुंदर दुनिया बनाना जानता है अपने शब्दों से, और ये दुनिया भी उतनी ही रियल है जैसे कि हमारी असली जिंदगी होती है। फिफ्थ स्टैंजा में स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे पोएट ऑर्डनरी चीज़ों से एक्स्ट्राऑर्डनरी चीज़ें बना देता है और कहीं से भी सुंदरता को ढूंढ ला सकता है। फाइनल स्टैंजा जो है पोएम का, वो एक बहुत ही सुंदर कंक्लूजन है जिसमें बताया गया है कि कैसे पोएट्री जो है वो हमें डिविनिटी डिवाइन डिविनिटी के पास यानी भगवान के पास ले जाने में सक्षम है। यानी जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक संतोष और शांति आती है जिससे हमें ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के पास पहुंच गए हों और हम पूरे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को समझ पाते हैं। तो इस तरीके से पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि पोएट्री जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।